अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू टीज योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं और आपके रोज़े भी अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, देखें अभी एक हफ़्ता तो हो ही जाएगा जब हम ये वीडियो जब होगी तो मेरे ख़्याल में 10 दिन गुजर चुके होंगे। ठीक है, और चलें जब हम रमज़ान की वैल्यूज़ की बात करें कि हम रमज़ान की जो बरकतें हैं, जो उसकी रूह है, जो उसका एसेंस है, हम अपने लेसन्स में कैसे ले आएँ विदाउट इम्पोजिंग ऑन चिल्ड्रन। देखिए, हम घरों में भी पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों को जो मज़हब की तरफ रागिब किस तरह करें। आपने उनको इम्पोज़ नहीं करना, यू डोंट हैव टू ड्रम रिलीजन इन टू देयर हेड्स। आपको इस तरह से बताना कि देखें ये बच्चे हैं साइंस माइंडेड, लॉजिक, इनको लॉजिक के साथ कनेक्ट करें तो उनको समझ में आएगा कि भाई अगर हम ये रिचुअल्स कर रहे हैं, ये हमारी मज़हबी रसूमात हैं, तो उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है और उसके पीछे साइंस क्या है, हाउ इज़ इट अफेक्टिंग अस इन द वर्ल्डली मैनर ऑल्सो। सो मैं इस तरह से अपनी क्लास में करवाती हूँ। और आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया कि मेरे पास गिनती के 4 या 5 मुस्लिम बच्चे हैं, लेकिन मैंने पूरी क्लास को कराया। मैंने पिछली वीडियो में आपको सोशल स्टडीज़ और लैंग्वेज आर्ट्स का बताया था, वो सब मैंने कराया और उनको इतना अच्छा लगा, उनको मज़ा आ रहा है, सीखने को मिल रहा है। तो आज जो है, और मैंने मैथ की वीडियो भी करी कि भाई फ्रैक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर मैं फ्रैक्शन टाइम को कैसे डिवाइड करूँगी, रमदान के अंदर हम किस तरह से अपने टाइम सेगमेंट को कि भाई इतना टाइम अपने इबादत को देना, इतना टाइम हमें अपनी पर्सनल सर्च को देना है, मेडिटेशन करनी है, इतना टाइम हमें कम्युनिटी सर्विस करनी है। ठीक है ना, तो ये सब उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया मैंने आपको दिया, तो आज मैं साइंस को रिलेट करूँगी, साइंस के सब्जेक्ट, साइंस के कॉन्सेप्ट। और ये आप एलिमेंट्री, अपर एलिमेंट्री, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में भी आप करवा सकते हैं कि बच्चे जो है ना वो इन डेप्थ जाएंगे और हर चीज़ के पीछे क्या साइंस है उससे रिलेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं, मैंने अपनी क्लास में अभी ये करना शुरू किया है, साइंटिफिक इंक्वायरी। वो क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी कि जब रमज़ान के अंदर बहुत सी जगहों पे, जैसे मार्केट में, जैसे पाकिस्तान में तो ये है ही, ये रिवाज है, यहाँ पर नहीं है मगर पाकिस्तान में तो ये रूटीन है ना, कि बहुत से जो हैं हमारे फिलेंथ्रोपिस्ट हैं जो शाम को जो है वो इफ्तार के बॉक्सेस लेके खड़े होते हैं, इफ्तार के बॉक्सेस वो टेबल पे सजा देते हैं, तो जो भी काम पर से आ रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो रास्ते में हैं और रोज़ा खुल गया है, तो वो वहीं से इफ्तार के बॉक्सेस ले लेते हैं। तो आप इस तरह का जो है ना बच्चों को ये असाइनमेंट दें कि पीछे वो बॉक्सेस आपको देते हैं, बहुत से स्टायरोफोम में होते हैं, हम जब बाहर से भी लेकर आते हैं रेडीमेड इफ्तार तो वो स्टायरोफोम में होता है या फिर कार्डबोर्ड बॉक्सेस में होते हैं। आर दोस पैकेजिंग्स इन्वायरमेंटल फ्रेंडली? हम इतने बॉक्सेस और इतने ये स्टायरोफोम यूज़ करते हैं, क्या वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं? क्या होता है इससे हमारे प्लेनेट पे क्या असर आ रहा है? ठीक है, इसकी जगह हम कौन सी पैकेजिंग यूज़ करें कि जो कि हमारे अर्थ प्लेनेट के ऊपर बर्डन ना हो। ठीक है ना, तो आप इनको इस तरह का इंक्वायरी क्वेश्चन दें तो भी बच्चे ढूंढेंगे कि भाई प्लांट बेस्ड पैकेजिंग कौन सी है। ठीक है, बैम्बू के जो हैं कंटेनर है, और फिर बच्चे इस तरह ये भी सोचेंगे कि हाँ घर से लोग अपने कंटेनर लेके आएँ, ग्लास के या रीयूजेबल कंटेनर्स ले आएँ, और वहीं पे अगर वो रास्ते में इफ्तार का जितने भी हमारे पास लवाजमात वो दे रहे हैं उसमें भर के वो घर ले जाएं, तो इससे क्या होगा कि जो इफ्तार बांट रहे हैं उनका भी इकोनॉमिकल हो जाएगा, खर्चा कम होगा। ठीक है, इतने बॉक्सेस और इतने स्टायरोफोम के पैकेजिंग उस पर इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा उनको, प्लस ये लैंडफिल में नहीं जाएगा क्योंकि कंपोस्ट बैग्स के अंदर डाल के दे सकते हैं जो कंपोस्टेबल है, तो वो 6 महीने के अंदर सारा कंपोस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के हम क्वेश्चन दे सकते हैं बच्चों को और उनको ये प्रॉम्प्ट करें कि और सोचें। मेरा भी वेस्ट एंड आवर वर्ल्ड का यूनिट अभी ख़त्म हुआ तो उसमें हमने ये पैकेजिंग पे बात की थी कि कौन सी पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए जो स्टोर्स के अंदर है, जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं। ठीक है ना, अच्छा इसके अलावा आप ये करवा सकते हैं कि भाई मून साइटिंग,
ठीक है, मून साइटिंग ये लाइट्स एंड शेडोज के यूनिट होते हैं साइंस में. तो मून साइटिंग का मकसद क्या है कि भाई रमदान शुरू होने से पहले और ईद का चांद, उसको डिटरमिन कैसे करते हैं, कैसे हम डिफरेंट फेजेस ऑफ मून्स को देखते हैं कि भाई हाँ इससे हमें पता चलता है कि अभी ईद होने वाली है, अभी रमज़ान शुरू होने वाला है. महीना शुरू कैसे होता है, तो ल्यूनर कैलेंडर को हम ला सकते हैं. ठीक है, मैथ भी आ गया, आपका साइंस भी आ गया, तो आप लाइट्स एंड शेडोज़ के यूनिट के अंदर कैलेंडर भी डाल दें. ठीक है, ल्यूनर कैलेंडर को हम कैसे रीड करते हैं, ठीक है ना, तो ये एलिमेंट्री में आप दे सकते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या नासा की वेबसाइट है, वहाँ से पता चलेगा कि किस तरह से मून के फेजेस होते हैं, तो बच्चे सीखेंगे. तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दूंगी कि कहाँ क्या बच्चों को क्या रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ाने हैं, किस तरह की नॉलेज देनी है, तो बच्चे वो समझेंगे. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है वो हम फास्टिंग की बात करें. ठीक है, अब हम फास्टिंग तो कर रहे हैं, राइट, यहाँ हम बच्चों को सवाल दे सकते हैं, इंक्वायरी क्वेश्चंस हम दे सकते हैं कि भाई हाउ इज दिस फास्टिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर फास्टिंग दैट पीपल डू. इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत से पेरेंट्स करते हैं, एडल्ट्स करते हैं. ठीक है, तो बच्चों को ये हम क्वेश्चन दे सकते हैं कि वो पेरेंट्स से जाके क्वेश्चंस करें, सर्वे क्वेश्चंस क्वेश्चनेयर बनाएं, और वो सर्वे क्वेश्चनेयर जो है वो घर पर लेकर जाएं, अपने रिश्तेदारों से, अपने खाला मामू चाचा सब से पूछें, दादा दादी हैं सबको इन्वॉल्व करें. इस तरह पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट आ जाएगी. ठीक है ना, कि भाई हम अगर अपनी डाइट के लिए कुछ फास्टिंग करते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, बहुत से न्यूट्रिशनिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, वो इस फास्टिंग से कैसे डिफरेंट है. ठीक है, और ये फास्टिंग हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट लाती है, तो फिर इसमें हम बच्चों को ये भी बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं कि इसमें क्या हो जाता है. एक तो फास्टिंग से मेंटल क्लैरिटी आती है. वो कैसे आती है कि डिटॉक्स हो जाता है. ठीक है ना, जितना भी हमने अल्लम गल्लम जो भी खाया हुआ है, तो इतनी देर में जो फास्टिंग होती है हमारी बॉडी सेटल हो जाती है. ठीक है ना, तो वो सारा हेल्दी बॉडी कीप्स हेल्दी माइंड. तो जब बॉडी हेल्दी है तो माइंड में भी क्लैरिटी आ जाती है, पॉजिटिव थॉट्स आती हैं. ठीक है, इसके अलावा इम्प्रूव्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है बॉडी के अंदर. तो हमारी इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि इतनी देर में हमने कुछ खाया नहीं है. ठीक है, अच्छा, और जब हम खाते भी हैं तो वो एनर्जी फूड सुबह को खाते हैं और बाद में खाते हैं. अब इसके अंदर हम ये असाइनमेंट भी दे सकते हैं कि भाई डेट्स की केमिस्ट्री क्या है, ये आप सीनियर क्लासेस में भी दे दें कि भाई डेट्स में ऐसे क्या न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि जो हम रोज़ा रखते वक्त भी खाते हैं और रोज़ा खोलते वक्त भी खाते हैं, क्यों स्पेशली डेट. अब इससे फिर हिस्ट्री में भी कनेक्ट करेंगे, भाई उस ज़माने में और अभी भी सऊदी अरबिया में डेट्स के जो दरख्त हैं वो बहुत ही फ्लरिश करते हैं. ठीक है, वो ग्रो होते हैं, तो उस वक्त वही चीज़ जो है वो उनको एनर्जी भी दे रही थी और वो उनकी जो प्रोडक्ट थी जो उन्होंने ग्रो किए थे वो इस्तेमाल भी हो रहा था. और इसके फिर साइंटिफिक फैक्ट्स भी हैं कि जितने भी हमारे जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपको मीठा नहीं खाना है तो आप एक डेट खा लें, वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा. तो डेट के बारे में हम दे सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा हम चना, ग्राम और ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो वो क्यों खाते हैं कि भाई वो जो है ना हमें डल नहीं करती, हमें एनर्जी भी मिलती है और हमारे अंदर फुर्ती रहती है. वी आर स्टेइंग एक्टिव द होल डे. वो हमारी, क्योंकि अब जब इतने घंटे अब नहीं खाया तो ऑब्वियसली बॉडी का जो प्रेशर है वो तो लो हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो हमारा वो लो हो जाता है, लेकिन ये फूड उसको बैलेंस कर देता है. खाए पिए बगैर तो इंसान बिल्कुल ही ड्राउजी हो जाएगा, मगर ये डेट्स और ये चने ये जो है ना उसको बैलेंस करते हैं, तो वो एनर्जी को मेंटेन रखते हैं. तो ये चीज़ें हम बच्चों को ये इंक्वायरी क्वेश्चन दे सकते हैं कि भाई ये चीज़ें हम क्यों खाते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ें क्यों इतनी फेमस है. ठीक है ना, इसको हम क्यों स्पेशली रमदान के फूड कहते हैं, क्यों मार्केट भर जाती है इन चीज़ों के साथ. ठीक है, इसके अलावा जो है हम ये क्वेश्चन भी दे सकते हैं, हम इनको ये इंक्वायरी दे सकते हैं कि भाई देखिए साइंस की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं कंपैशन, काइंडनेस. ठीक है, रमज़ान के अंदर हम कंपैशन और काइंडनेस की बात करते हैं,
के भाई हम लोगों के बारे में सोचें, एम्पथी, ठीक है। इससे हमारी मेंटल हेल्थ कैसे इम्प्रूव होती है कि हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। जब आप किसी को खुश करते हैं तो आपके अंदर खुद नेचुरली खुशी आती है, ठीक है ना। तो वो हैप्पी हॉर्मोन्स बनते हैं जिससे आपकी मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल हेल्थ बिल्कुल मेंटेन रहती है। तो वही है कि आपकी फिजिकल हेल्थ तो मेंटेन हो ही रही है, मेंटल हेल्थ भी हो रही है, ठीक है ना। एक इनर हैप्पीनेस, इनर सेटिस्फैक्शन मिलता है। और इसके लिए जो है साइंस ऑफ काइंडनेस की एक बहुत अच्छी टेड की जो ना टेड टॉक की वीडियो है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप एडल्ट्स भी देखें, टीचर्स, पेरेंट्स, आप सब देखें, आपको खुद पता चलेगा कि भाई इस सब के पीछे मकसद क्या है। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन आप दे सकते हैं, एक और इंक्वायरी बच्चों को रिसर्च क्वेश्चन दे सकते हैं कि साइंस ऑफ सर्केडियन रिदम क्या है, ठीक है। अब वो है आपका स्लीप स्केड्यूल। हमारी जो रमज़ान में हमारा स्लीप स्केड्यूल बिल्कुल चेंज हो जाता है। हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं बहुत जल्दी, ठीक है ना। हम 4:30 के अराउंड, 4:30 हम उठते हैं, ठीक है। और फिर हम रात को सोते भी जल्दी हैं कि भाई सुबह जल्दी उठना है। और पूरा दिन, फिर हम दिन में भी अगर मौका मिलता है तो हम रेस्ट करते हैं, क्योंकि हम किसी फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होते तो हम रेस्ट करते हैं। तो आपके देखें, आपके स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। तो वो सर्केडियन रिदम जो है वो क्या है, हाउ इज इट मेंटेन एंड हाउ इज इट एक्चुअली कैरिड आउट ड्यूरिंग रमदान, इससे आपकी स्लीप पे क्या फ़र्क पड़ता है और उसकी वजह से आपकी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट आता है। तो ये एक रिसर्च क्वेश्चन बहुत अच्छा हो सकता है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है, और मैंने जीनियस आवर की प्रेजेंटेशन की पूरी एक वीडियो की है कि जीनियस आवर में आप इस तरह के क्वेश्चन दे सकते हैं। और जीनियस आवर मैंने आपको कहा था ज़रूरी नहीं है कि वो स्लाइड शो पे हो, वो एक पोस्टर बना सकते हैं, वो उस पर स्पीच कर सकते हैं। तो इस तरह आप दे दें तो बच्चे मालूम करेंगे, तो देखें उनका नॉलेज, आपका भी नॉलेज बढ़ा ये सुनकर, मेरा भी नॉलेज बढ़ा। मैंने फाइंड किया कि भाई हाँ, ये भी तो है रमज़ान के अंदर साइंस में, मैं ये भी तो करवा सकती हूँ, तो मुझे भी पता चला, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा हम इनको ये लेकर जाए उनको 2-3 साल पहले कि भाई जब कोविड था तब तो हम नमाज़ पढ़ने मस्जिद में नहीं जा रहे थे, तब बाज़ारों में भी हम नहीं घूम रहे थे, हम अवॉइड भी कर रहे थे कि बाहर से इफ्तार लानी है, हम बड़े बड़े गैदरिंग्स में नहीं जा रहे थे। तो उसका क्यों ये हुआ था, उस अगर वो हम करते तो उससे क्या इफ़ेक्ट आता। अगर हम ये कंटिन्यू करते कि भाई हम तरावी पे भी जा रहे हैं, हम दूसरों के घर में इफ्तार पार्टीज़ पे भी जा रहे हैं, हम बाज़ार में जो सब जगह कलेक्टिवली जो इफ्तार होती है वहाँ बैठ के खा रहे होते, तो उससे और क्या हो सकता था, ठीक है। ऑलरेडी बहुत बड़ा लॉस हुआ है कोविड में, इकोनॉमी का तो हुआ है मगर इंसानी जानों का। तो अगर हम ये कंटिन्यू करते कि भाई ये तो हमारे रमज़ान की एक जान है कि हमें सबको साथ करना है, तो वो गवर्नमेंट ने क्यों इकदाम लिए कि भाई ये नहीं करना है, वी डोंट हैव टू इंटरेक्ट एंड मिंगल अप विद अदर्स ड्यूरिंग रमदान ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड। तो ये आप एक क्वेश्चन दें तो बच्चे फिर रिफ्लेक्ट करेंगे, जाएंगे कि अरे उनको याद आएगा, अरे हाँ ये हो रहा था, घरों में ही थे हम लोग, बाहर नहीं निकल रहे थे, कितनी रिस्ट्रिक्शंस थी। तो इस तरह रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस भी हो जाएगी और वो रिकॉल करके फिर लिखेंगे अपने इंसिडेंट्स जो हुए थे और क्या होता अगर हम कंटिन्यू करते, ठीक है। तो एक ये हो सकता है। इसके अलावा जो है देखिए, मैंने आपको जो ये बताया एनवायरमेंटल पैकेजिंग शुरू में, तो बच्चों को और फर्दर ले जाएं कि भाई जो है बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग आप लेकर आएँ, ठीक है। हम और क्या वेज हैं कि हम उन पैकेजिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, तो क्लॉथ बैग है वो हम यूज़ कर सकते हैं, हम पेरेंट्स को एजुकेट कर सकते हैं कि कंपोस्टेबल बैग्स आप घर में रखें, ठीक है। बीज वैक्स रैप है, हम फॉयल वगैरह यूज़ ना करें कि उससे वो कंपोस्ट नहीं होता है तो उससे और प्लैनेट पे बर्डन आता है, लैंडफिल भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। तो फिर इस और हम घर में क्या चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। बच्चों को इस तरह की एजुकेशन, हमारा मकसद क्या है कि उनको रियल लाइफ, जो रियल लाइफ जो वर्ल्ड जैसे चेंज हो रही है,
ग्लोबल सिटीजन्स बनाना है, उनको सोचना है कि और वो क्या अच्छा चेंज ला सकते हैं टू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. ठीक है, तो देखें आज मैंने आपको कितनी सारे कॉन्सेप्ट्स और कितने सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बताए जो हम वैसे ही अपने साइंस के यूनिट्स में यूज़ करते हैं. आप उसको कनेक्ट करें रमदान के साथ, बच्चों को लगेगा कि यस आवर रिलीजन इज सो डायनेमिक कि भाई वो मॉडर्न रिलीजन, ऐसा नहीं कि वो 1300 साल पहले ये आया था, वो वक्त के साथ साथ चल रहा है. ये नहीं कि जो बातें उस वक्त जो लोगों को बताई गई वो उसी वक्त के लोगों के लिए थी, नहीं, ये आज और आगे की जनरेशन के लिए. तो हर चीज़ में आपका रिलीजन है. साइंस कैसे कैसे डिस्कवरीज कर रही है, वहाँ आपका मजहब भी आ रहा है साथ में, क्योंकि मजहब तो है ही, मजहब ही ने आपको ये सारी चीज़ें छोड़ी हैं. हम डिस्कवर कर रहे हैं, निशानियां तो सारी हैं, हम डिस्कवर कर रहे हैं और हम देखें या ये चीज़ भी तो कुरान में बताई गई है, ये चीज़ भी तो हमारे नबी पाक ने बताई है. तो देखें आपके सामने, एंड इट्स नॉट ओनली फॉर मुस्लिम किड्स, इट्स फॉर एवरीबडी. जैसे मैंने आपको कहा मेरी क्लास में जो 95% पॉपुलेशन है दैट इज़ नॉन मुस्लिम, ओनली 5% होगी मुस्लिम, उससे भी कम. ठीक है ना, तो देखें वो भी सीख रहे हैं और उनको पता भी चल रहा है कि हाँ अगर ये लोग ये करते हैं तो क्यों करते हैं, इसके पीछे मकसद है. एंड यकीन जाने जो वाइट कैनेडियन पेरेंट्स हैं उन्होंने भी इतना अप्रिशिएट किया, उनको भी पता चला कि मेरे मैंने लेंटन्स लगाए हुए थे बोर्ड पर, तो उन्होंने आके देखा अच्छा दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ लेंटन, व्हाई यू पीपल लाइट अप सो मैनी लेंटन्स अराउंड इन रमदान. तो उनको पता चला कि भाई उस ज़माने में लोगों के पास लाइट नहीं होती थी, वो सुबह को उठते थे, अंधेरा होता तो लेंटन जो है वो हर तरफ होते थे, और आज हम उसी की याद में लेंटन रखते हैं, डेकोरेशन के लिए भी रखते हैं और एक ट्रेडिशन है. ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में आज आपको बहुत कुछ मिल गया होगा, स्पेशली पेरेंट्स एंड टीचर्स को, आपकी भी नॉलेज में इजाफा होगा. अब आप बच्चों को इम्पार्ट करें, और रमज़ान में नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे. ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें मैं आपको ईद से कनेक्शन करके बताऊंगी कि जब मैं अगली वीडियो आएगी तो वो ईद के करीब करीब होगी, तो मैं बताऊंगी कि ईद का जो है वो साइंस क्या है इसके पीछे, ईद में हम कैसे दूसरे कॉन्सेप्ट मैथ सोशल स्टडीज लैंग्वेज आर्ट साइंस को ला सकते हैं. ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.